हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुझे तो थोड़ा भी कोल्ड हो गया है, क्योंकि शादी से आने के बाद मुझे कोल्ड हो गया है। और मम्मा आपसे अभी हेयर स्टाइल के आइडियाज शेयर करेगी, तो चलिए हेयर स्टाइल के आइडियाज आपसे शेयर करते हैं। उठा लिया है और सेंटर पार्टिंग करेंगे, तो सेंटर पार्टिंग कर दिया, ये हम यहाँ तक पीछे तक करेंगे। आप सेंटर पार्टिंग कर ली और अब साइड से हम क्या करेंगे, ईयर पार्टिंग करेंगे। साइड से ही ईयर तक पार्टिंग करेंगे, मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारी पार्टिंग होगी। और इस बाल को हम पीछे कॉम कर देंगे, दोनों साइड हमारा इवेनली पार्टिंग होगा। इधर से भी हम सेम पार्टिंग करेंगे, तो पार्टिंग हमारी क्लियर है। तो यहाँ देखिए, दोनों साइड से पार्टिंग हो गई है। अब इसको हम बालों को कॉम करके पीछे कर सकते हैं। ये ऑफिस, कॉलेज और वर्क प्लेस का बन सकता है, तो सिंपल हेयर स्टाइल है इसको हम। मैं आपको एक बार फिर से क्लोजर पार्टिंग क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा सेंटर पार्टिंग हो गया, इस साइड से हमारी ईयर पार्टिंग हो गई। आप देख सकते हैं कि पार्टिंग इधर से लेकर के उधर तक एकदम क्लियर है। तो ये यहाँ तक हमारी पार्टिंग हो गई दोनों साइड की। अब हमारा एक साइड का हम पार्टिंग पकड़ेंगे और इसको ऐसे अपलिफ्ट करते हुए पीछे लेकर के आएंगे। बहुत ही इजी स्टाइल है, लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना कि आइडियाज नहीं आते, तो आपको एक आइडिया, सारे बाल को ऐसे लेते हुए हम हल्का सा 2 या 3 बार इसको ट्विस्ट करेंगे। सिर्फ 2 या 3 बार ट्विस्ट करेंगे और टिक टैक से हम सिक्योर कर देंगे। आप बॉबी पिन, टिक टैक, जो भी हो आप उससे सिक्योर कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो छोटे छोटे क्लचर से भी आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे क्रॉस करके सिक्योर कर देंगे, तो ये यहीं पे एडजस्टेड रहेगा। तो और इस तरह से कुछ इस साइड इसका आएगा। आप चाहें तो इसमें सिर्फ अपनी 1-2 बाल ऐसे निकाल करके साइड में ऐसे कर सकते हैं लुक बढ़ाने के लिए। तो एक साइड हो गया और सेम चीज़ हम करेंगे। जैसे ये है, ये मैंने बाल छोड़ दिए थोड़े से, जिसको हम आगे निकाल देंगे ताकि अच्छा लुक आए। ऐसे अपलिफ्ट करेंगे और सेम इसको इन साइड को 2 या 3 बार बस ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3 कर दिया, दैट्स इट। और हम इसको सिक्योर कर देंगे टिक टैक से, क्रॉस में सिक्योर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से रहेगा और टिका रहेगा। और हम एक बार पीछे के बालों को कॉम्ब कर देंगे, तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा और सामने से आपको ये दिखेगा। लीजिए, आप चाहें तो थोड़े और बाल निकाल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे पुल करके ये कर दीजिए, हो गया। और इसको बस स्मूथ लुक है। अगर और स्मूथ हो तो आप हेयर स्प्रे कर लीजिए, या उससे भी सेफ्टी करनी है तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जब भी पार्टी के लिए इनका मेकअप करती हूँ तो मैं इनके बालों में एलोवेरा जेल लगा देती हूँ। तो आप देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। ये डिसेंट हेयर स्टाइल है वर्क। ये फ्रंट लुक ऐसा आएगा, देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल लोग कर भी रहे हैं, जो पफ बनाते थे, तो ये दोनों साइड से कम्प्लीटली पफ ना बन के सेंटर पार्टिंग के साथ कॉलेज एंड स्कूल का है। तो दूसरा आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है हमारा, इसके साथ आप मिड पोनी बना लीजिए। पोनी भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पोनी बना सकते हैं हाई लुक देने के लिए। तो यहाँ पे सारे बाल को एक साथ गैदर करके आप अपने चॉइस करके रबड़ बैंड लगा सकते हैं, स्क्रंची लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब ये देखिए पीछे से ऐसा लुक हो जाएगा। तो बाल बांधने के बाद आगे से आपका ये लुक रहेगा, तो कम्प्लीटली ये स्कूल गोइंग भी हो सकता है टीनेज वाला, एंड कॉलेज गोइंग तो ऑब्वियसली है। तो ये स्टाइल ट्राई किया जा सकता है, तो आप जरूर ट्राई करिए इस स्टाइल को, एंड ऑल सेट टू गो टू स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस। तो मेसी बन भी है, इस एक ही पार्टिंग करेंगे कि हेयर स्टाइल से हम 3 तरह के बाल बना देंगे। तो इसको देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऐसे ट्विस्ट करते जाना है। आप कंफर्टेबल हो तो दोनों हाथों से कर लीजिए, नहीं हो तो आप एक एक करके कर लीजिए। जैसे आप इसको इधर किया, इसको हमने कैसे करा, क्लॉकवाइज, तो इसको हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करा,
और दोनों को अच्छे से ट्विस्ट करने के बाद हम एक दूसरे में ट्विस्ट कर देंगे। ये ट्विस्ट कर लेंगे, अब उसको हम क्या करेंगे, जो हमने रबड़ बैंड लगाया है उसके अराउंड हम रैप करके जूड़ा पिन या किसी चीज़ से सिक्योर कर लीजिए, या हमारा हमेशा का साथी जो है हमारा क्लचर, दो क्लचर्स लगा देंगे तो बन जाएगा एक अच्छा सा हेयर स्टाइल। ये क्लचर लगा दिया एक इधर और एक इधर, तो ये हो गया हमारा मेसी सा बन, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जितने हमारे हैं अगर आप चाहें तो पिंस भी लगा सकते हैं, बॉबी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं, जुड़ा पिंस भी लगा सकते हैं, तो ये इस तरह से लगेगा। तो ये हमारा लाइट पार्टी हेयर स्टाइल भी हो सकता है इस तरह से। आप इसमें एक्सेसरीज लगा लीजिए डेकोरेट करने के लिए। साइड लुक ये है हमारा, साइड लुक ये आएगा, फ्रंट लुक ये आएगा, तो हमारा ये हो सकता है पार्टी वाला भी हो सकता है, मेहंदी में, संगीत में हम ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं अपने किसी चीज़ पर, लहंगे के साथ, सूट के साथ, अगर हम साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ भी। गर्लिस लुक भी आएगा मेसी सा, एंड बहुत उमन वाला लुक नहीं आएगा, उमनिया लुक नहीं आएगा, तो ये गर्लिस भी आएगा, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल हमें कमेंट करके बताइए, और इस हेयर स्टाइल को ज़रूर अपने नियर और डियर के साथ बनाइए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर करना ना भूलें।